दोस्तों यह है राइस मिल, मिनी राइस मिल 6N100 मॉडल का मिनी राइस मिल मशीन देख सकते हो। ये राइस मिल मशीन में दोस्तों ये जाली का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। ये देख सकते हो ये जाली, ये तो मोटे वाला जाली है जो फटा हुआ है, और ये जाली बहुत पतला है। ये जाली यूज नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जाली बहुत पतला है, तुरंत फट जाता है। ये जो जाली मशीन के साथ मिला था और वही जाली अधिकतर फिट होता है, तो वो जाली को मैं यूज नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जाली बहुत पतला है, तो यूज करने से जो बहुत जल्दी घर्षण करके वो फट जाता है। तो ये यानी बहुत जल्दी वो रद्दी हो जाता है, घर्षण करके वो पतले हो जाते हैं, तो यूज करने के लायक नहीं रहता है। तो बार बार उसको क्यों खरीद कर डालना है, इसलिए उसको यूज नहीं करता हूँ। बस ये वाला मोटे वाला है जो ये वाला यूज करता हूँ दोस्तों। बहुत सारे कंपनियाँ इस तरह के राइस मिल मशीन बनाते हैं, 6N100 मॉडल का बहुत सारे कंपनियाँ राइस मिल बनाते हैं, लेकिन पहले जो बनाए थे कंपनियाँ राइस मिल मशीन, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे थे भाई लोग, यानी बहुत से भाई लोग बोल रहे थे कि 6N100 मॉडल वाला जो राइस मिल मशीन है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। तो वही बहुत से कंपनियाँ सुधार भी कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है। शुरुआत में मैंने जो जाली मिला था राइस मिल मशीन के साथ में, उसी जाली यानी वो सही जाली बहुत खरीदे थे, तो जल्दी जल्दी फट रहा था, तो मैंने जाली चेंज कर दिया और इस तरह से जाली खरीदने लगा, और इस तरह जो जाली होती उसको यानी यूज करने लगा दोस्तों। अब ये जाली को इस राइस मिल मशीन में नहीं लगाता हूँ, ये जाली को अब ये जाली को लगाता हूँ राइस मिल मशीन में। ये कुछ टिकता है और ये मोटा है, तो ये जाली को लगाता हूँ अपने राइस मिल मशीने में, तभी वो ठीक से चलता है और टिकता है दोस्तों। शुरुआत में ये मशीन भी कुछ गड़बड़ था, तो इसमें कुछ मैंने चेंज करके चलाना शुरू किया, तो कुछ अभी चल रहा है दोस्तों। बहुत सारे कंपनियां चेंजेस कर रहे हैं अपने राइस मिल मशीनों में, अगर वो चेंजेस नहीं करेंगे तो वो चलेगा नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत से भाई लोग ऐसे राइस मिल मशीन खरीदे और वो यानी परेशानी वो झेल रहे हैं, तो ऐसे में वो जो मशीनें जो बनाए वो सेल नहीं होगा, अगर जब तक उसमें चेंज नहीं करेंगे कंपनियां, तो इसमें उसका जो राइस मिल मशीन है वो बिक्री नहीं होगा दोस्तों। मैं कभी कभी दोनों जाली को एक साथ यूज करता हूँ, एक जाली जो एक मॉडल का है उसको ऊपर लगा देता हूँ, फिर दूसरे मॉडल को नीचे लगा देता हूँ, इस तरह से यानी दो मॉडल को एक साथ चलाता हूँ दोस्तों। ये जो दो जाली ब्लेड देख रहे हो, इसको सेट करना होता है, यानी इसको अच्छी तरह से सेट करोगे तभी अच्छी तरह से कुटाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसमें लगे हुए जो बोल्ट है उसको लूज करके कभी सामने करके देखना होगा, कभी उसको फैल करके देखना होगा, इस तरह से यानी करके आपको देखना ही देखना है, तभी आप उसको अच्छी तरह से सेट कर पाओगे। इसमें लगे बोल्ट है देख सकते हो, यानी दो ब्लेड है उसमें दो दो लगा हुआ है बोल्ट, उसको लूज करके आपको कभी सामने कभी फैल इस तरह से करना है रोलर के, कभी सामने कभी फैल, उसके बाद कुटाई करके चेक करना है, अगर जितना वो सेट होता है उतना में अच्छी तरह से टाइट करके छोड़ देना है, इस तरह से सेट करना होता है इसको। कभी कभी क्या होता है कि अगर ठीक से उसको टाइट नहीं किए रहोगे तो चलते चलते वो यानी जो बोल्ट है वो लूज़ हो जाता है, लूज़ होने के बाद वो जो ब्लेड है वो इधर उधर खिसक जाता है, इस वजह से जो धान है उसको कभी कभी तोड़ने लगता है, और तो कभी कभी बिना कुटाए हुए यानी चावल के साथ धान चला जाता है दोस्तों। अगर आप राइस मिल मशीन खरीदना चाहते हो 6N100 मॉडल, इस टाइप का जो मॉडल निकल रहा है उसको अगर आप खरीदना चाहते हो, तो मेरा ये सलाह रहेगा कि ये ऐसा राइस मिल मशीन आजू बाजू कोई खरीदा है दोस्त लोग, उनसे कुछ राय ले लो, उसके बाद ही खरीदना, मेरा यही सुझाव है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन आपको कुछ भी बोल सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसमें ज़्यादा यकीन मत करना, बस आजू बाजू कोई दोस्त होगा यानी पता तो होगा ज़रूर उसमें, यानी पता करना उसके बाद ही खरीदना। दुकानदार जगह जाओगे तो यानी अपने सामान को अच्छा ही बोलेगा और अच्छा बोल के आपको सेल कर ही देगा, तो जो चला रहा है उससे अगर राय लेके खरीद के चलाओगे तो अच्छा रहेगा दोस्तों।